हेलो एवरीवन आज के वीडियो में हम देखेंगे पोलर प्लॉट कैसे प्लॉट करते हैं फ़ॉर टाइप वन सिस्टम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको टाइप ज़ीरो सिस्टम का प्लॉट करना सिखाया था सो so, इस वीडियो में मैं एक फास्ट पेज के अंदर टाइप वन सिस्टम का सिखाऊंगा आपको क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में तो आप पहले वाला वीडियो भी रेफर कर सकते हैं सो नाउ लेट स्टार्ट विद द प्लॉटिंग ऑफ पोलर फॉर टाइप वन सिस्टम सबसे पहला काम हमें क्या करना है पुट एस इज इक्वल्स टू जे ओमेगा तो जब मैं जे ओमेगा रखूंगा इसमें और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी आफ्टर कन्वर्टिंग इन द पोलर फॉर्म सो दिस इज द इक्वेशन आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द पोलर फॉर्म इसके बाद हमें लिमिट लेनी है जब ओमेगा ज़ीरो होगा तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ इसमें कि जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वैन ओमेगा इज इक्वल्स टू जीरो तो आपका जी ऑफ जे ओमेगा आएगा इस वाले पार्ट में हम ओमेगा को ज़ीरो रखेंगे तो जी ऑफ जे ओमेगा मेरे पास कितना आएगा अब इसमें इन्फिनी एंड वैन ओमेगा इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी जी ऑफ जे ओमेगा इज इज ज़ीरो सिमिलरली कैलकुलेट फॉर एंगल जब ओमेगा जीरो है तो एंगल आपका आएगा माइनस नाइन्टी डिग्रीज एंड वैन ओमेगा इज इन्फिनिटी जी ऑफ जे ओमेगा विल कम आउट टू बी माइनस टू सेवेंटी डिग्रीज तो ये कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है मैग्नीट्यूड और एंगल की नाउ सेपरेट द रियल पार्ट एंड इक्वेट द इमेजनरी पार्ट टू ज़ीरो सो आफ्टर दैट रैशनाइज करके सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है हमें तो जो सेपरेट करके फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास ऐसा आएगा कुछ तो ये मेरे पास आएगा आफ्टर सेपरेटिंग इट इनटू रियल एंड इमेजिनरी नाउ पुट दिस इमेजिनरी पार्ट टू ज़ीरो तो जब इसको ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी इसमें ओमेगा स्क्वायर टी वन टी टू इज इक्वल्स टू वन और ओमेगा इज इक्वल्स टू वन ओवर अंडर रूट टी वन टी टू सो दिस इज द फ्रिक्वेंसी एट विच द प्लॉट इंटरसेक्ट्स रियल एक्सेस

0 degrees now let's see how to plot the graph see i am rushing with the things because i have discussed in detail about type 1 zero system so you can refer that video and you will see that it is exactly the same just the difference is presence of this term which is introducing minus 90 here so now let's see This is real and this is imaginary axis. So, in this a plot will be like this. For this equation, plot will be like this. ये वाला पॉइंट क्या है जब हमारा ओमेगा जीरो है क्योंकि देखिए ओमेगा जब जीरो है तो मैग्नीट्यूड मेरा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और एंगल कितना है जब ओमेगा जीरो है तो माइनस नाइन्टी तो माइनस नाइन्टी डिग्री के कहीं कोर्डिनेट में वो लाई कर रहे हैं और जब ओमेगा इन्फिनिटी है तो मेरा मैग्नीट्यूड ज़ीरो है सो दिस इज़ वेन ओमेगा इज़ इन्फिनिटी और एंगल कितना है माइनस टू सेवेंटी तो यानी टू सेवेंटी डिग्रीज़ के क्वाड्रेंट में वो कहीं पे लाई कर रहा है सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई हैव फाउंड आउट टू बी दिस वन तो ये क्या है मेरा ओमेगा इज इक्वल्स टू वन ओवर अंडर टी वन टी टू और ये जो तो डिस्टेंस है ये वाला ये डिस्टेंस हमारे पास आया ये सो दिस डिस्टेंस इज KT1T2 T1 plus T2. So, this is the polar plot for type 1 system. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials. Thank you.